अंकल आपको पानी चाहिए था, ये लीजिए। हेलो दो। अनिल अंकल के हाथ में छाला। अंकल आपके हाथ में छाला है क्या? क्या छाला? छाला कौन सा छाला? विवेक तुमने सच में अंकल के हाथ में छाला देखा? हाँ मैंने भी देखा, उनके हाथ पे एक छाला है, इतना लाल। अंकल अंकल प्लीज अपना हाथ दिखाइए ना। हद होती है रहना, ये क्या बदतमीजी है, उनसे सवाल कर रही हो, माफी मांगो उनसे। शांत हो जाओ गायत्री, बच्चे तो हैं, इट्स ओके। पर ये भी सच है कि पराई जगह पर अपनों के साथ जा सकते हैं, और ये भी सच है पराई जगह पर अपनों पे शक नहीं किया जाता। कौन सा छाला? कोई छाला वाला नहीं है, देखो। I swear to God, मैंने एक छाला देखा था। तो फिर कहाँ गया वेद? गायब हो गया, क्योंकि अब हम असुर स्थल से दूर आए हैं ना, तो छाले का असर भी दूर हो गया। तो तुम्हारे कहने का मतलब है मेरे अंदर राक्षस है? तो अंकल उस वक्त जब हम असुर स्थल पर थे आप कहाँ थे? रैना बदतमीजी की हद होती है, शर्म आनी चाहिए, तुम इनसे सवाल कर रही हो, मैनेजर की बेटी हो, अपने औकात में रहो। मॉम एक मिनट, रैना तुम बोलो क्या बोल रही थी? उस वक्त जब हम अंकल का इंतजार कर रहे थे तब अंकल कहाँ थे? अनिल क्या ये सही है, तुम थे कहाँ? मैंने मुझे तो एलर्जी हो रही थी, मैं तो होश में ही नहीं था, लेकिन क्या तुम यहाँ नहीं थे? इनफ, वाकई में आप लोगों ने हद कर दी है। पहले शादी के नाम पे हम लोगों की इंसल्ट की, और अब मेरे पति से सवाल करके और इंसल्ट कर रहे हो। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? अरे हम तो इस गांव में आना ही नहीं चाहते थे, आप लोगों की वजह से यहाँ पर आए हैं। काम तो आपकी लड़की ने किया, पहले भाग गई और उसके बाद क्या हुआ सबको पता ही है। और क्या कहा था आप सबने? क्या कहा था कि इस गांव में एक भ्रम राक्षस है जो दुल्हनों को मारता है, और अब मेरे पति आप सबको भ्रम राक्षस लग रहे हैं। वाओ। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, झगड़ा मत कीजिए। शांत हो जाओ गायत्री, ऐसे माहौल में ऐसा हो ही जाता है, ऐसे में इंसान को अपनों पे शक हो जाता है। क्या क्या हुआ साले साहब? बिरजू का फोन है, वो कह रहा है कि जो कमल और राजगीरा इस बस में लगाने के लिए मंगाए गए थे वो तो वहाँ मेरे घर पे पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये लगे हुए सारे कमल नकली है? हाँ। अरे ये कैसे हो सकता है? ऋषभ आ रहे हैं। वो ठीक है। परेशान ना हो। नैना चलो। अच्छा भैया ऋषभ। ठीक हो? भाभी जी
मैं समझ सकता हूँ आप पर क्या बीत रही है, मैं देख सकता हूँ। तो दिखाइए ना कि आप क्या देख सकते हैं। आप कुछ नहीं देख सकते, ना ही आप कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी बीवी तो जिंदा है। मौत तो मेरे पति की हुई है ना, तो आप कैसे कुछ समझेंगे? आपने तो कुछ खोया ही नहीं है। हमने भी तो खोया है राखी को। हाँ, आपने भी खोया राखी को, पर जिंदा या मुर्दा वो तो मरने से पहले आपसे अलग हो गई थी ना। जीते जी आपसे अलग हो गई थी, वो भाग गई थी किसी लड़के के साथ, वो भी मरने से पहले। आंटी प्लीज, मैं मानती हूँ राखी ने जो किया वो गलत था, उसे अजय भैया से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, उसे हम सबको सच बताना चाहिए था, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। प्लीज उसके बारे में तो ऐसे मत बोलिए। तो मैं क्या करूं, क्या करूं मेरा ना? अरे बोलो ना, मैं क्या करूं? उस ब्रह्म राक्षस की आरती उतारो जिसने मेरे पति की हत्या कर दी। वो मेरे पति के अंदर था, अंदर, और मुझे पता भी नहीं चला। कब उनकी हत्या हो गई मुझे पता भी नहीं था, और तुम दोनों तो थे ना वहां। तुम दोनों बच के आ गए, मौत हुई मेरे पति की। ये सब आप ही लोगों की जिद थी। अरे अनिल भाई साहब तो बड़े ज्ञानी थे ना, सब कुछ जानते थे ब्रह्म राक्षस के बारे में, फिर भी हम सबको घसीट के यहाँ ले आए। वो तो समझदार थे, आदान तो सिर्फ मेरी बेटी थी, और अनजान मेरा ये बेटा, जो अनजाने में ही अपनी बहन को उसकी मौत तक ले गया। जानती हो गायत्री, जब कोई पेड़ गिरता है कसूर पेड़ का नहीं होता, लोग पेड़ को नहीं उसकी जड़ को देखते, और इस सारे फसाद की जड़ सिर्फ और सिर्फ अनिल भाई साहब है। उन्हीं के कर्म है जो उनके कदम को इस गांव तक ले आए, उनके साथ साथ घसीट के हम लोगों को भी। देखो मुझे बहुत देर हो रही है, अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया ना तो गजब हो जाएगा। मैं चलती हूँ। एक मिनट, आप जो करना है मुझे बता दीजिए। उस राक्षस को मारने का शादी का हमने जो प्लान बनाया है वो हम पूरा करेंगे, हम शादी करेंगे, बस आप बता दीजिए कब, कहाँ और कैसे करना है। ये लो। ये क्या है? सेवर, दुल्हन का 16 सिंगार। ये जमींदार साहब के उसी बेवफा दुल्हन के सेवर है जो उसने उस वक्त पहने थे जब उसने जमींदार साहब को मार डाला, अपने पति को मार डाला। ये सेवर उसी दुल्हन की निशानी है, हमारे जमींदार साहब के मौत की कहानी है। बैठो बैठो, फूली ने यह पोटली दी है, इसमें उस दुल्हन के जेवर हैं, वही दुल्हन जिसने जमींदार से शादी की और बाद में उसे मार डाला, उसे ब्रह्म राक्षस बना दिया। देखो तुम पहनोगी नहीं? ग्रेट, दुल्हन नहीं मिली तो क्या हुआ, जेवर तो है। अब देखना ब्रह्म राक्षस कैसे उल्टे पांव भागता हुआ आएगा। हाँ, अब ये जेवर ही हमारे शुभ विवाह में उस राक्षस को आने का आमंत्रण देंगे। मैं राजगिरा कमल का इंतजाम करता हूँ, सबके सोने के बाद हम असुरस्थल जाएंगे। हाँ, और असुरस्थल के दूसरे तरफ ना एक तालाब मैंने देखा, हम उसी तालाब में उस राक्षस को धकेल देंगे। तुम्हें याद है ना, गाँव वालों ने कहा था कि उस राक्षस को पानी से बहुत डर लगता है। हाँ याद है मुझे, और फूली भी बता रही थी वो पानी ही उस राक्षस की कहानी खत्म करेगा। आज वो ब्रह्म राक्षस जरूर मरेगा। ओके okay. अच्छा सुनो, तुम ठीक है, एक घंटे बाद मेरे कमरे में आ जाना और टाइम पे आना। ओके ऋषभ, कुछ ऐसा मत करना जो मैं नहीं चाहती तू करे। ये मेरा स्पेशल तोहफा है, चाहे कुछ भी हो जाए इसे तुम उतारना मत।